नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और राजगढ़ से बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। दरअसल यहां एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार मोर्चा संभाले हुए है। करीब 20 फीट पर बच्ची इस वक्त फंसी हुई है और माही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है, लगातार इस पूरे मामले पर नजर हम बनाए हुए हैं। माही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू कर दिया गया था और बोरवेल के इस गड्ढे से बच्ची को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है और 20 फीट पर यह बच्ची फंसी हुई है और इस बच्ची को बचाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है माही के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उसे सकुशल बाहर निकालने के लिए। और जो शुरुआती दौर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो कोशिशें की गई वो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई, लेकिन कामयाबी न मिलने पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और इस दौरान वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी सूचित कर दिया गया था, जो कि गुना जिले से वहां मौके पर पहुंची और आसपास की और अन्य तकनीकी सहायता के लिए अन्य टीम्स को भी यहां पर मौके पर बुलाया जा रहा है। लगातार न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बोरवेल के पैरेलल उसके साथ में एक गड्ढा खोदा जा रहा है और लगभग 70 फीट का गैप बनाकर यह गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि वहां पर उसका इंपैक्ट या उसकी वाइब्रेशन उस गड्ढे पर ना पहुंचे, जिससे कि मिट्टी टूट कर या कट कर बच्ची तक किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ना वहां पर पहुंचे। इसलिए लगातार कोशिश ये की जा रही है कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि बच्ची तक पहुंच सुगम हो सके और उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। राजगढ़ कलेक्टर से हमने बात की तो बताया गया कि वहां मौके पर एनडीआरएफ की टीम तत्काल पहुंच गई और बहुत ज्यादा समय न लगाते हुए तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया रेस्क्यू के लिए, बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए। और उम्मीद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल भी लिया जाएगा, क्योंकि बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, बात कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई उस तक पहुंचाई जा रही है और साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है और किसी तरह से वहां बच्ची से संपर्क जो करने की कोशिश है वो कामयाब भी हो रही है और यहां पर बच्ची को सांस लेने में तकलीफ ना हो इसके लिए ऑक्सीजन भी वहां सप्लाई की जा रही है और साथ ही साथ बच्ची से लगातार बात भी की जा रही है, उसे बात करके उसे निकालने के लिए ढांढस उसे बंधाया जा रहा है और उसे समय से निकाल लिया जाए, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन कितना समय लगेगा अभी कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि वहां मौके पर स्थिति क्या है ये हम बताने के लिए चलेंगे आपको। ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा इस वक्त संभाला हुआ है, स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, आसपास के जिलों से भी कुछ और टीम्स को वहां पर कॉल किया गया है ताकि वो वहां पर पहुंचे और तत्काल तेजी से सहायता बच्ची तक पहुंचाई जा सके और उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। करीब 20 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है अभी और उसे निकालने के लिए जो कोशिश है उस कोशिश में उसके पैरेलल एक गड्ढा करके उस बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ बहुत ही संवेदनशील तरीके से सोच समझ के साथ करना होगा और ये इसलिए जरूरी है ताकि बच्ची तक कोई इंपैक्ट ना जाए। सुनील अचौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सुनील, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं बड़ी पोकलेन मशीन से उसके जरिए तकनीकी टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएम की तकनीकी टीम जो है लगातार काम कर रही है, काफी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और तमाम अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। मौसम इसमें बाधा तो नहीं बन रहा है सुनील जी? मौसम इसमें बाधा तो नहीं बन रहा है? नहीं नहीं, देखिए राहत की बात है, फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन चूंकि जिस जगह बच्ची गिरी खेत है और यहाँ पर चूंकि सिंचाई होती है और लगातार जिस तरीके के नमी का मौसम है तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के अपने काम में लगा हुआ, लगातार अधिकारी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक प्लान बनाया कि किस तरीके से माही तक पहुंचाया जा सके, बालिका तक पहुंचाया जा सके, तो एक बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है, तमाम मशीनें उसमें लगी, पोकलेन मशीन। सबसे खास बात की जो रास्ता है खेत तक पहुंचने का वो काफी सकरा था, उसमें काफी परेशानी हुई, उसके बाद तमाम बड़ी मशीनरियों को मौके पर पहुंचाया गया, उसके बाद लगातार अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग के साथ टेक्निकल टीमों के साथ उनके सुपरविजन में लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको ग्रामीण भी दिखाऊंगा, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है और तमाम लोग इसी उम्मीद में कि जैसे भी हो बच्ची सकुशल बाहर निकले, सभी की उम्मीद है। देर रात का वक्त है, ठंड का मौसम है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम लोगों की यही उम्मीद है कि जो माही बोरवेल में गिरी है वो सकुशल जल्दी से जल्दी बाहर निकले। तमाम अधिकारी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लगातार जो है टीमें काम कर रही, अलग अलग टीमें अलग अलग जी
जी बिल्कुल सुनील, चूंकि अभी हालांकि अधिकारियों से बातचीत करने की स्थिति में वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कई बार जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो समय का कोई अंदाजा उन्होंने नहीं बताया कि कितना समय यहाँ लग सकता है। लेकिन हालात क्या है, कितना समय लग रहा है अंदाजन, कितना समय में बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए फिलहाल ये कहना बेहद मुश्किल है, हमने अधिकारियों से लगातार कोशिश की कि लगातार काम किया जा रहा है, खास बात की रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपर टाइमिंग के साथ चले और उसमें कोई परेशानी ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी मशीनों से खुदाई चल रही है, उसके बाद समय समय पे मेजरमेंट किया जाएगा कितना हिस्सा मशीनों से खोदा जाना है, कितना हिस्सा मजदूरों के जरिए खोदा जाना है, और तमाम चीजें जो है लगातार की जा रही है। और लगातार यहाँ पर अधिकारी जो टाइम फिलहाल नहीं है, लेकिन सभी लोगों का हालांकि रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा, लेकिन जैसा दूसरा टीम लगातार मौके पर बना हुआ है, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बालिका जो बोरवेल में गिरी है वो सकुशल बाहर निकले, और सबसे खास बात की बोरवेल के हाथ से बार बार लापरवाही को उजागर करते हैं, हर बार किसी बोरवेल में बच्चा गिरता और तमाम तरीके से प्रशासन इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। तमाम टीमें लगती है एक बेहद मुश्किल काम है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ती है, कितनी सारी परेशानियां होती है। छोटे छोटे मासूम लगातार बोरवेल में गिरते हैं, उसके बाद इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं है। लगातार प्रशासन भी प्रचार प्रसार करता है कि कैसे भी करके बोरवेल की गड्ढे आप खुले ना छोड़े, उन्हें लगातार बंद रखें, लेकिन लोग एक मानते नहीं है। और इस तरीके की जब परेशानी आती, मुसीबत आती, तो फिर इस तरीके की दिक्कतें आती है बिल्कुल, और किसी की जान पर बनाती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, हम फिर वापस लौटेंगे, और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे प्रदेश की सियासत की, जिसमें सीएम पद की रेस जारी है। रेणुका सिंह जांजगीर चांपा के बिर्रा पहुंची हुई हैं। चाय वाले के नाम से जाने जाने वाले नरेंद्र नयन शास्त्री का आशीर्वाद उन्होंने लिया और फिर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रेणुका सिंह का नाम भी सीएम पद की रेस में चल रहा है। रेणुका सिंह पहुंची हैं, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र नयन शास्त्री के दरबार में, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। रेणुका सिंह इस बार केंद्र की राजनीति से प्रदेश में लाई गई और चुनाव जीत कर आई हैं, और ऐसे में उनका भी नाम सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। बहरहाल प्रशासन बहरहाल पार्टी की तरफ से क्या कुछ यहां पर फैसला होगा, ये भी देखने का एक विषय रहेगा। पार्टी की तरफ से, केंद्रीय आलाकमान की तरफ से क्या आदेश आता है प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए, ये देखने का विषय होगा। लेकिन इस बीच रेणुका सिंह का नाम रेस में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रेणुका सिंह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकती हैं। अब तक जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से केंद्र की राजनीति से उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति में लाया गया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका भी जो सीएम पद में नाम चल रहा है कि क्या वो सीएम हो सकती हैं, बिल्कुल संभावनाएं अब तक बनी हुई हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम फेस को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है रमन सिंह प्रबल दावेदार हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आदिवासी के तौर पर रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम चल रहा है, ओपी चौधरी अरुण साहब का नाम भी रेस में है, लेकिन रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में सबसे आगे हैं। जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे तीन बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो दो नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा
लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला भारी। और रमन सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट, अधिकारियों को दी समझाइश। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिकारियों को उन्होंने समझाइश दी। आज कुछ सूत्रों ने मुझे जानकारी दी या जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने लिखा कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइल्स को स्वीकृत न करें, बैक डेट अंकित कर स्वीकृत कर रहे हैं जो कि पूर्णतः अनुचित है। उनका यह पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक ऐसे किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य को करने से आप सभी को बचना चाहिए। दुर्ग के पाटन से हारे बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और भूपेश बघेल की शिकायत की। विजय बघेल पहले भी भूपेश बघेल की शिकायत कर चुके हैं। दरअसल 16 नवंबर को बैंड बाजे के साथ चुनाव प्रचार करने का आरोप उन्होंने लगाया था और विजय बघेल दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहले शिकायत कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने सबूत के साथ एक बार फिर शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उससे पहले 15 तारीख शाम को शोरगुल के साथ चुनाव प्रचार थम गया, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार करना था घर घर जाकर, ये चुनाव आचार संहिता के तहत नियम है, लेकिन 16 तारीख को चुनाव के लगभग 26 घंटा पहले 16 तारीख शाम से ये बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री भी थे उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, नारेबाजी के साथ झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और तत्काल हमने टेलीफोनिक सूचना यहाँ के मैडम कंगाले जी को दिया और वहाँ के मैंने एसपी से भी बात की, कलेक्टर से बात की और वहाँ पे एसडीओपी वगैरह भी थे और जब मैंने ये शिकायत हमने की और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से भी हमने सूचना दी और यहाँ से भी उसकी शिकायत की गई प्रमाण के साथ, मगर वहाँ पे जांच के नाम पे एक औपचारिकता निभाई गई। मैडम का कहना है कि हम दुर्ग जिला भेजे, दुर्ग जिला के चुनाव अधिकारी से हमने इस बात की जानकारी दी और जांच करने को कहा, तो जांच के नाम पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और हम उससे असंतुष्ट हैं और इस बात को लेके हम दिल्ली गए और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर हमने शिकायत की। और अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुका है बुलडोजर एक्शन। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया। रायपुर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में गर्ल स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर निगम ने कार्रवाई की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। दरअसल चौपाटी को हटाने के लिए कई छात्राएं लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी। गुमती बाग के पास सलीम गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगी इस चौपाटी का अवैध रूप से संचालन हो रहा था। नगर निगम का अमला दोपहर में जेसीबी लेकर पहुंचा और इसके बाद यहां पर लगी गुमटियों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। निगम का उड़न दस्ता भी मौके पर मौजूद रहा। अमला, प्रशासन का अमला बुलडोजर लेके पहुंच चुका है और मोती बाग चौपाटी के पास यहां पर जो अवैध कब्जे हैं जो उसे हटाए जा रहे हैं, यहां पर ठेले गोमती हैं जो उसे
हटाया जा रहा है, लगातार प्रशासन की कार्रवाई हो रही है और एक तरीके से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर सजगता से सभी अवैध जो चौपाटी है उसे हटा रहा है, हर ठेले को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कहीं ना कहीं निर्देश मिला है कि शहर में जितने भी अवैध जो चौपाटी हैं उन्हें हटाया जाए, इसके तहत कार्रवाई की जा रही। आप सीधा देख सकते हैं इधर किस तरीके से मोतीबाग जो यहाँ रायपुर शहर का जो मुख्य चौक एक तरीके से माना जाता है, यहाँ पर रोड के किनारे जो ठेले गोमती लगे हुए हैं, शाम को चौपाटी यहाँ पर लगता है उसे हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे जो यातायात व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो बाधित होती है, चौपाटी के होने से अब वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सुगम हो जाएगी, सुधर जाएगी। आप देख सकते हैं इधर किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर भीड़ होता है तो एक तरीके से यातायात व्यवस्था सीधे तौर पे बाधित हो जाती है। और वहीं रायपुर में अवैध गुमटी ठेलों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल KIT कॉलेज के सामने यातायात को प्रभावित करने वाले अवैध ठेलों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बुलडोजर की धमक आपको दिख रही होगी और ये बुलडोजर है अभी KIT रोड पर मौजूद है और जितने भी अवैध ठेला गुमटी जो सड़कों पर संचालित हो रहा था उसे हटाने का काम है वो लगातार जारी है। निगम मामले की टीम पूरी दस्ता है, लगभग 8 से 9 बुलडोजर हैं और गाड़ी है वो मौके पर पहुंची हुई है। मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूंगा कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं ये ट्रकों में जो सामान है या फिर जो गुमटी ठेले हैं वो सबको भर भर कर ले जाया जा रहा है। निगम का दल के साथ साथ पुलिस अमला भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जितने भी KIT रोड पे जो अवैध रूप से गुमटी ठेला संचालित कर रहे थे उन्हें हटाने की कवायद है अब तेज हो गई है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर है वो अब सड़कों पर दिख रहा है। और वैसे भी निगम के नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने कहा है कि BJP जो कहती है वो करती है, तो इससे साफ है कि अब बुलडोजर की धमक छत्तीसगढ़ पे ऐसे अवैध कब्जा पर ऐसे अपराधियों पर चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर के मोतीबाग के पास गर्ल्स स्कूल के बाउंड्री से लगी चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया। बिलासपुर में शराब की दुकानों के आसपास संचालित अवैध चखना सेंटर्स को भी तोड़ने के लिए मंगलवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। बिलासपुर में शराब की दुकानों के आसपास अवैध रूप से चलाए जा रहे चखना सेंटर्स को हटाया गया और दुकान चलाने के लिए अघोषित रूप से जो दुकानें आवंटित यहां पर की गई थी उसके बाद से आबकारी विभाग के अफसरों की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ यहां चखना सेंटर्स चलाए जा रहे थे। हाईकोर्ट ने भी स्कूल कॉलेज और धर्मशालाओं के आसपास संचालित इस तरह की शराब की दुकानों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। निगम अमला पूरे दलबल के साथ शराब दुकान पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भाजपा नेता और रायपुर पश्चिम के नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने बड़ा बयान दिया। राजेश मूणत ने कहा कि अधिकारी कान खोल कर सुन लें, सुधर जाएं नहीं तो अब हम सुधारेंगे। कुछ अधिकारियों के लिए जेल रिजर्व है। उन्होंने कहा कि हम भयमुक्त और आतंक मुक्त राजधानी बनाएंगे। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा कि रायपुर शहर में वसूलीबाजी चल रही थी, अब नहीं चलेगी। हमारे साथ मौजूद है राजेश मूणत जी। मूणत जी, बात निगम की कर रहे हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, कहीं ना कहीं महापौर के जो काम से नाराजगी चल रही थी लोगों में तो उसका एक परिणाम भी देखा गया कि सातों की सातों सीटें भाजपा के पास आ गई, अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं पार्षद। जनता ने मैंडेट दे दिया है, रायपुर शहर के अंदर नगर निगम की हालत तो सिर्फ वसूलीबाजी में थी। इस रायपुर शहर को राजधानी नहीं मान करके एक कस्बा देखने लगा था, पूरा शहर खुदा पड़ा। कोई योजनाबद्ध तरीके से, कोई प्लानिंग से, कोई शहर के अंदर योजना नहीं है, काम करने का तरीका नहीं, पूरे शहर में चौपाटी।
अब वो बच्चे लोग मैदान में आ गई है, वो बोलने लग गए कि हमारे स्कूल की दीवार से लगा के चौपाटी लगा दिए हो, और गुंडे तत्व पूरे के पूरे वहाँ खड़े रहते हैं, हमारी बेटियाँ हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। तो कांग्रेस के अंदर जितने कृत्य हुए, अब जनता खुल करके उनके विरोध में सड़कों पे आना चालू हो गई। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, कानून का भय दिखना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की धमक दिखने लगी है। राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक हुई, जिसमें रात 11 बजे तक सभी बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही असामाजिक तत्वों, बदमाशों पर सख्त कार्रवाई और खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अतिक्रमण दस्ता बना करके निगरानी रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस बैठक में एसएसओ, एएसपी, सीएसपी समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। राजगढ़ से बड़ी अपडेट आपको बता दें, बोरवेल मामले में एक बड़ी जानकारी, एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और 20 फीट पर फंसी हुई बच्ची को बचाने के लिए जो गड्ढा है उसके पैरेलल उसे निकालने के लिए खोदा जा रहा है, उसकी खुदाई अभी भी जारी है। माही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम लगातार मौजूद है और लगातार वो जानकारी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ की टीम बहुत ही संवेदनशील तरीके से उस गड्ढे के साथ साथ एक गड्ढा और बना रही है, जिससे कि बच्ची तक एक आसान पहुंच बनाई जा सके और उसे बाहर निकाला जा सके। मशीन से पहले गड्ढे को खोदा जाएगा और उसके बाद जो ड्रिलिंग या फिर हाथ से मजदूरों के माध्यम से उस गड्ढे की खुदाई करवाई जाएगी, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि उस गड्ढे के आसपास जब खुदाई हो तो उसका इम्पैक्ट या उसकी धमक, वाइब्रेशन उस पर न पड़े, जिससे कि मिट्टी टूटे या बच्ची को किसी तरह का नुकसान हो। और बच्ची को सकुशल निकालना ही सबसे पहला लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार टीम मौके पर डटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन और कई अन्य तकनीकी सहयोगियों की मदद से उस गड्ढे को खोदा जा रहा है, जो कि बच्ची तक पहुंच बनाएगा। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची, माही को बचाना है, माही को बाहर निकालना है सकुशल, यही प्रयास लगातार वहां मौके पर मौजूद टीम कर रही है। और हम भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये तस्वीरें, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। माही को बचाने के लिए, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक यहां पर तत्व हैं, जो भी आवश्यकता है उसे पूरा किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और गुना जिला से रेस्क्यू टीम वहां भेजी गई है। आसपास के अन्य जिलों से भी टीम्स मौके पर पहुंची हुई, कुछ तकनीकी अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि तकनीकी रूप से किस तरह से इस ऑपरेशन को सफल बनाना है इसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले पर नजर हमारी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि राजगढ़ में बोरवेल में गिरी एक मासूम बच्ची, जिसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, किसी की लापरवाही किसी की जान पर बनाई, ये जो स्थिति अभी भी बनी हुई है प्रदेश में, और इससे बचने के लिए क्या कुछ और प्रयास किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करना, यह भी एक विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल जो फोकस है, फिलहाल जो कोशिश है वो यही कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और राजगढ़ में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को बचाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। 5 तस्वीरें इससे जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। जब पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पर ऑक्सीजन पाइप डाला गया था, दूसरी तस्वीर में स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और बोरवेल में गिरी बच्ची से बातचीत करने के दौरान का एक वीडियो भी लगातार चल रहा है और माही की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और इसी बच्ची को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। राजगढ़ में लगातार अब वहां स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा होने लगा है, ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और अन्य तकनीकी सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पोकलन मशीन, जेसीबी का इस्तेमाल कर उस गड्ढे को खोदकर बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सुनील अचौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है अभी, इसमें और क्या कोई टेक्निक अलग से लगाई जा रही है बच्ची को निकालने के लिए, या फिर पारंपरिक तरीके से गड्ढा पैरेलल खोद कर निकाला जाएगा उसे? एनडीआरएफ ने पूरा ऑपरेशन अपने हाथों में ले रखा है। एनडीआरएफ पूरा फ्रंटलाइन से इस ऑपरेशन को कर रहा है और उसकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। वो तो लगातार टेक्निकली एक प्लान बनाकर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और भोपाल से भी टीम आई है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार टीमें काम कर रही है
और रास्ता तो जो पारंपरिक तरीका होता है कि पैदल एक बड़ा गड्ढा खोद के और फिर एक छोटा टनल बना के पत्ती तक पहुंचा जाए, तो वही पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है और यही कारण है कि अभी लगातार बस्ती तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों को मैं बता दूं कि इस समय 3-4 क्रोकलेन यहाँ पर लगातार खुदाई कर रही है, खुदाई का काम काफी तेजी से चल रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो तमाम तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा बिल्कुल ये प्रयास सफल हो सुनील, यही कोशिश यही उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। अभी नजर बनाए रखिएगा, बहुत जल्द लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।